अच्छा ये बताइए, सैयदा के रोने से लोगों को प्रॉब्लम क्या थी? जनाब सैयदा के रोने से लोगों को क्या प्रॉब्लम थी? कोई परेशानी थी? और थी तो क्या परेशानी थी? जनाब सैयदा अगर गिरिया कर रही हैं, कभी कब्र रसूल पर बैठी हैं, कभी मजार रसूल पर बैठी हैं, कभी मस्जिद में बैठी हैं और गिरिया कर रही हैं, तो उम्मत को परेशानी क्या थी? मैं बताता हूँ क्या परेशानी। अल्लामा अज़हर हसनैन ज़ैदी पाकिस्तान के एक मशहूर ज़ाकिर गुजरे हैं, आलिम खतीब गुजरे हैं, खतीब भी और अदीब। वो एक वाक़या पढ़ा करते थे, वो पढ़ा करते थे कि एक गांव में, बहुत तवज्जो से जुमला सुनिएगा, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसका एक ज़ईफ़ा रहती थी, उस ज़ईफ़ा और बुढ़िया का एक बेटा था। बेटा इल्म दोस्त था और चाहता था कि जहालत की तारीकी को समाज से मिटाए, चिरागे इल्म को रोशन करे, मगर गांव के जाहिल चौधरियों को ये कब बर्दाश्त होता है कि वहां चिरागे इल्म जल जाए? तो जाहिल गंवार अनपढ़ चौधरियों को ये समझ आने लगा कि अगर इसने चिरागे इल्म रोशन कर दिया, लोग एजुकेटेड हो गए, पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, तो हमारी सत्ता हाथ से निकल जाएगी, शुक्रिया, हमारी हुकूमत चली जाएगी। गांव में है, सोच रहे कि मैं गांव की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ की समझने लगे। सलवात पढ़े मोहम्मद अली, मैं अपने हर लफ्ज का जिम्मेदार हूँ, तवज्जो कीजिएगा, मैं अपने हर लफ्ज का जिम्मेदार हूँ। लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर इसने इसी तरह से इल्म के उजाले फैलाए तो हमारी तारीखियों का दम घुट जाएगा, इल्म ऐसे ही फैलता रहा तो जहल का मुंह टूट जाएगा। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए साजिश ये रची गई कि उस ज़ईफ़ा के उस बेटे को कत्ल कर दिया गया, बेटे को कत्ल कर दिया गया। ज़ईफ़ा मजलूम बेचारी पुलिस के पास गई, प्रशासन के पास गई कि भाई हमारी रिपोर्ट लिख दीजिए, FIR दर्ज कर दीजिए। मगर जिस समाज में रिश्वतों का बाजार गर्म हो, वहां शराफतों के जनाजे खुद ब खुद निकल जाते, जहां दौलत की हवस सर चढ़ के बोलने लगे, वहां गुर्बतों के साथ नाइंसाफियां होना ये कोई आज के दौर की बात नहीं, हर दौर की बात है। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि ना पुलिस ने कोई सुनवाई की, ना प्रशासन ने कोई सुनवाई की। जाहिर है कि जब FIR दर्ज नहीं हुई तो कानून के हिसाब से वो मुकदमा अदालत में नहीं गया, वकील नहीं खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। थक हार के ज़ईफ़ा घर आके बैठ गई, मगर चूंकि ज़ईफ़ा बाशऊर थी इसलिए उसने एक चौराहे का इंतखाब किया और उस चौराहे पर बैठकर रोजाना 10 मिनट चौराहे पर बैठती थी, 5 मिनट अपने बेटे के फजाइल बयान करती थी और 5 मिनट अपने बेटे के मसाइब पढ़ के रोती थी। फजीलत बताती थी कि इल्म दोस्त है, मसाइब बताती थी कि किस बहीमाना तौर से वो कत्ल किया गया। चंद दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लोग बुढ़िया की आओ फगा सुनते रहे, बच्चे देखते रहे, स्कूलों से आते हुए गुजरते रहे, चंद दिन तक तो ये सिलसिला चला। जब चंद दिनों के बाद उन चौधरियों ने देखा कि कहीं गांव में बगावत ना हो जाए, मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूँ, मैं तारीख का सफर करा रहा हूँ आपको, अगर गौर कीजिए तो कहीं ऐसा ना हो कि इलाके में बगावत हो जाए, लिहाजा गांव के चौधरियों ने पंचों को जमा किया और पंचों से ये ख्वाहिश की कि इस बुढ़िया का रोना बंद कराए। पंच भी उस दौर के थे जो बिके नहीं थे, थोड़ी बहुत उनमें भी मर्यादा और लाज पद की बची थी। अब तो मुसीबत ये है कि पद की मर्यादा का भी लोगों को ख्याल नहीं रहता, ओहदों के अजमतों को भी लोग भुला बैठे हैं। लिहाजा अजमत ओहदा भुला चुके नहीं थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ, पंचों ने मिलके पूछा, तुम ये बताओ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, तुम ये बताओ कि तुमने कत्ल कर दिया, ज़ईफ़ा इंसाफ लेने के लिए गई तुमने FIR नहीं दर्ज होने दी, ज़ईफ़ा अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए जाना चाहे तुमने कोई वकील नहीं खड़ा होने दिया, अदालत तक मुकदमा नहीं जाने दिया। अब अगर ये बुढ़िया ये ज़ईफ़ा आंसू बहा रही है, रो रही है, तो तुम्हें क्या परेशानी है इसके रोने से? इसके रोने से तुम्हें क्या परेशानी है? ये चौराहे पे बैठ के रोए, अपने लाल की कब्र पे बैठ के रोए, लोगों के दरमियान रोए, खलवत में रोए, जलवत में रोए, यहाँ रोए वहां रोए, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा परेशानी ये है कि जब ये ज़ईफ़ा चौराहे पर रोती है, हमारे बच्चे स्कूल से चौराहे से गुजरते हुए घर आते हैं, अपनी अम्मा से कहते हैं, हम सुन रहे हैं, बच्चे अम्मा से कह रहे हैं, अम्मा एक ज़ईफ़ा है, बड़ी
वाइफ बेदर्दी से रो रही है, उसका बेटा मारा गया, कातिलों ने उसे कत्ल कर दिया, गासिबों ने उसका हक लूट लिया, खुदा उन पे लानत करे, खुदा उनको खुदा कातिलों पे लानत करे। अब जुमले सुनते जाइए, खुदा कातिलों पे लानत करे, खुदा गासिबों पे लानत करे, खुदा कातिलों पे लानत करे, खुदा गासिबों पे लानत करे, खुदा कातिलों पे लानत करे, खुदा गासिबों पे लानत करे। मैंने तीन मर्तबा यूं ही थोड़ी दोहराया है, मैंने तीन मर्तबा यूं ही थोड़ी दोहराया है, अब इससे ज्यादा थोड़ी दोहराऊंगा। उन्होंने कहा मसला ये है कि हमारे ही घर में हमारी ही नस्लें हम पर ही लानत कर रही हैं। शायद मदीने में भी यही हुआ कि जो बच्चे थे वो अपने घरों में आके अम्मा से कहते थे, अम्मा रसूल की बेटी क्यों रो रही है, अम्मा रसूल की बेटी क्यों रो रही है। कौन थे वो जालिम, कौन थे वो कातिल, कौन थे वो बेरहम, कौन थे वो दहशतगर्द, कौन थे वो आतंकवादी। खुदा उन पे लानत करे, खुदा उनको गारत करे। मदीने के कातिलों के समझ में आ गया अगर जहरा यूं ही रोती रही तो लानत नस्लों में सर।